नया जम्मू कश्मीर, बात करते हैं नए जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गए हुए 5 महीने बीत चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने हुए भी 2 महीने बीत चुके हैं। इसलिए अब जम्मू के लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस नए जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी वो आखिर है कहाँ। आज कश्मीर के मुद्दों पर बात ना करके बात करेंगे जम्मू की, और बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे प्रेसिंग मुद्दा जो इस वक्त जम्मू के लोगों के लिए बन गया है वो यह है कि 5 महीने बीत गए, अभी तक हमारे ऊपर इंटरनेट के ऊपर याद क्यों? मुझे मालूम था पल्लवी आप ये सवाल करोगी, लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी बात है कि आज आप जम्मू की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जम्मू वासी जो थे वो अपने आप को ठगा हुआ मानते थे और हर बात के लिए कश्मीरियों को जिम्मेवार ठहराते थे। अब वो बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब जम्मू को कहाँ लेके जाना है, जम्मू को क्या बनाना है, जम्मू क्या होगा और जम्मू के लोग कैसे रहेंगे, इस सब का फैसला जो है वो जम्मू वासियों ने करना है, जिसके लिए जम्मू वासियों को ये चैलेंज लेने के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू के लोग इसके ऊपर खड़े उतरेंगे, लेकिन 5 महीने जो बीत गए हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी हमने अपना एटीट्यूड बदला है। अभी भी हम उसी एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं कि हमारे ऊपर विक्टिमाइजेशन हो रही है, हम शिकार हैं किसी कॉन्स्पिरेसी के। ऐसा नहीं है। देखिए, आपने बात की इंटरनेट की, इंटरनेट मैं मानता हूँ जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, उन्होंने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सिविल लिबर्टीज एंड नेशनल सिक्योरिटी आर 2 इश्यूज। कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल लिबर्टीज, उन्होंने आपको सिविल लिबर्टी जजमेंट दी है, इवन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल सिविल लिबर्टीज, बट कोर्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो जम्मू में क्या मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए हमारा जो देश है, चाहे वो जम्मू है, चाहे कश्मीर है, चाहे भारत का कोई भी और हिस्सा है, इस वक्त इंटरनेट जिहाद का विक्टिम है। देर इज ए इंटरनेट जिहाद गोइंग ऑन अगेंस्ट आर कंट्री एंड वी हैव टू टेक केयर अगेंस्ट दैट। अभी हाल ही में आपने देखा, 2 दिन पहले अरनिया में एक नौजवान जो है वो हनी ट्रैप में पकड़ा गया या नहीं। अगर मान लीजिए ये तो तब चल रहा था जबकि यहाँ पर इंटरनेट है नहीं है, और अब अगर यहाँ पर इंटरनेट लागू हो जाता है, मोबाइल इंटरनेट, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस हद तक इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहकर आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो साइबर सेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर एक्सपर्ट्स की बात करें, तो वर्ल्ड लेवल पे आप देखें आपको इंडिया के लोग ज्यादा मिलेंगे। इंडिया का जो साइबर सेल है, आप नहीं मानेंगे कि क्या वो काउंटर कर सकता है जो पाकिस्तान कोशिश करेगा उसे? नहीं, काउंटर कर पाना अगर इतना आसान होता तो अभी हो जाता। कोशिश हो रही है, कहीं हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया इसमें। जब तक कि हम इसमें परफेक्शन हासिल नहीं कर लेते और हम टोटली, मैं ये नहीं कहा 100% हम जो पाकिस्तान की डोमिनेशन है इसको हम डिनाई कर सकेंगे, लेकिन हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ऐसी एलिमेंट्स को जो कि अक्रॉस दी बॉर्डर बैठ के हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद देखा, जब यहाँ पर इंटरनेट कुछ दिन के लिए खुला था तो क्या हुआ था, 2 दिन के बाद बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका दुरुपयोग किया गया। तो जम्मू के लोगों को जिम्मेवारी भी लेनी होगी। अगर जम्मू के लोग ये चाहते हैं कि इंटरनेट उनके पास हो, तो उनको ये भी यकीन करना पड़ेगा कि इंटरनेट का दुरुपयोग ना हो। अब मुझे उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद जब रिव्यू होता है तो शायद जम्मू में इंटरनेट रिस्टोर हो जाए, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन सर, आप इंटरनेट दुरुपयोग की बात जब कर रहे हैं, आप वर्ल्ड ओवर देखें, इंडिया की बात करें तो इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, और उसमें से 50% इंटरनेट शटडाउन जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड ओवर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बाकी कंट्रीज को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बाकी कंट्रीज टेररिज्म के साथ नहीं लड़ रही, बाकी कंट्रियों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर लॉन्च्ड बाय अ नेबर, एंड दैट नेबर इज लॉन्चिंग अ जिहादी वॉर अगेंस्ट अस, इट्स नॉट अ प्रॉक्सी वॉर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। For the advocate or advocating internet ban, but I'm saying we may have to balance it. And आपको बता रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई है, लेट्स वेट एंड सी
गवर्नमेंट पक्का मुझे रिव्यू जब होगा तो शायद जम्मू से हटना हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जम्मू में इतने एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, तो उसको जस्टिफाई करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं, हटता है उसके बाद क्या उसका इस्तेमाल होता है या दुरुपयोग होता है, फिर उसके बाद दोबारा रिव्यू होगा, तो दिस विल कंटिन्यू। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो यहाँ पे इंटरनेट बैन रहा वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चला गया है, हमें कुछ दिन पहले ही जहाँ से हटा देना चाहिए था। लेकिन सिर्फ मोबाइल इंटरनेट पे तो बैन है ना, बाकी पे तो ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज तो आपके पास हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सफरिंग क्लास जो है वो स्टूडेंट्स है, क्योंकि जो पीजी में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, वो ब्रॉडबैंड अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रॉडबैंड ज्यादा लगवा नहीं रहे। ब्रॉडबैंड तो कैंपसेस में आजकल वाईफाई फ्री है, देयर वाईफाई कैंपसेस, आई डोंट बाय योर आर्गुमेंट। ये मोबाइल का यूज हो रहा है टिकटॉक के लिए, मोबाइल का यूज हो रहा है फॉर यू नो लोडिंग। ई कॉमर्स वाले थोड़ा आपसे डिसएग्री करेंगे, ये जो स्विगी जोमैटो चल रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है। स्विगी जोमैटो इज देयर बिजनेस इज रोड, यू सी द फिगर्स इन द लास्ट क्वार्टर जोमैटो हैज डबल्ड इट्स इनकम। तो ये दीज आर ऑल आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मोबाइल इंटरनेट यस इट अफेक्ट्स द सोसाइटी, इट अफेक्ट्स द बिजनेस, बट इट इज नॉट द एंड ऑल। इमेजिन कश्मीर, देयर नॉट मोबाइल इंटरनेट, देयर नॉट ब्रॉडबैंड। एग्जैक्टली, सी so their what they are saying is a little bit justified। जम्मू के लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, जम्मू के लोग तो वैसे भी सैक्रिफाइस करते रहे, हमेशा सैक्रिफाइस करते रहे हैं। सर वही है ना कि अब जम्मू की बात करें तो कहा जा रहा था ना कि अब जम्मू विक्टिम नहीं होगा, अब जम्मू के सैक्रिफाइस की बारी नहीं है, अब जम्मू को रीपिंग द बेनिफिट की बारी है। जम्मू इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द नेशनल कॉज, जम्मू इज नॉट सैक्रिफाइसिंग फॉर एनी अदर थिंग। और जम्मू हमेशा फोर फ्रंट में रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रजा परिषद मूवमेंट, जम्मू इज ऑलवेज स्टूड विद नेशनल कॉज। और जम्मू ने सफर इसलिए किया है, जम्मू इसलिए सफर करता रहा क्योंकि जम्मू हमेशा नेशनलिज्म के साथ खड़ा हुआ, जम्मू हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ। यही सर, नेशनलिज्म पे ही बात करें तो आज डोमिसाइल की बात हो रही है जम्मू में, और जम्मू के लोग ये जानना चाहते हैं कि अब और कितना सैक्रिफाइस लगेगा। जब हाई कोर्ट की एक नोटिफिकेशन आती है, नॉन गजेटेड पोस्ट पैन इंडिया बेसिस पे होती है, बाद में चाहे उसे भी विड्रॉ भी करना पड़ता है, लेकिन जम्मू के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो सेफगार्ड्स हैं, चाहे वो जॉब राइट्स हो, लैंड राइट्स हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि डोमिसाइल हमें मिले, कि अब हमारा सैक्रिफाइस तो हमने दिया है, वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम दे भी रहे हैं, लेकिन अब हमें भी तो कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। मिलेगा, हर सरकार की जिम्मेवारी है अपने नागरिकता, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, ठीक है। तो जम्मू का जहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख ये नागरिक जितने भी हैं सबको सुरक्षा दी जाएगी, सरकार की जिम्मेवारी है। ये वक्त लगता है, देखिए लेजिस्लेशन प्रोसीजर्स लगाने में वक्त लगता है, इंतज़ार कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपको एक यकीन दहानी कर सकता हूँ कि जम्मू के हितों को या कश्मीर के हितों को या लद्दाख के हितों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक लैंड की बात है, मैं बार बार कहता हूँ, लैंड राइट्स तो जो 5 अगस्त के पहले थे वही अभी हैं, लैंड एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, वही लैंड एक्ट अभी चालू है। तो हमें डर किस बात का है, जबरन आपसे कोई जमीन खरीद नहीं सकता, आप बेचेंगे लालच में आके तो आपके अपना लालच है। तो आप अपने लैंड एक्ट्स के लिए मत, लैंड एक्ट्स के लिए मत रहिए, आपके लैंड राइट्स को किसी ने छीना है, लैंड एक्ट वही लागू है जो कि 5 अगस्त के पहले लागू था। जॉब्स जहां तक मैंने कहा कि आप देखा हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट बाद में विड्रॉ कर लिया बिकॉज देयर अराइज मिस्टेक। और जॉब्स में भी देखिए हमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, वी कैनॉट से दे विल बी टोटल बैन ऑन आउटसाइडर्स फॉर जॉब, हमें वी हैव टू सी क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हमें जहां पे क्वालिटी चाहिए, जहां पे हमारे पास टैलेंट नहीं है, बाहर से लोग आएंगे और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास आपने देखिए जहां पे वी हैव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ी है, डॉक्टर्स नहीं है, क्यों नहीं है, वो हमारा लोकल टैलेंट नहीं है, बाहर से आने को तैयार नहीं था। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं रहेंगी, बिल्डिंग्स में वहां पे स्टाफ भी होगा, और ये फायदा है इसका। और डोमिसाइल एक्ट बनाया जाएगा जो लो लेवल जॉब्स हैं, आम लोगों के जॉब्स हैं, जो सुपर स्पेशलिटी तो हाई क्वालिटी हाई एंड जॉब्स हैं, उसमें मुझे लगता है कि हमें कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू के नौजवान कमज़ोर नहीं हैं। अभी तक हम कहते थे कि हम यूपीएससी में या जेकेपीएससी में हेराफेरी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसलिए हमारा नंबर नहीं आता है। अब तो वो नहीं होने वाला है, अपने पैरों पर खड़ा होना, हमें कम्पीट करना करेंगे और हम कम्पीट करके दिखाएंगे कि हम उन सबसे आगे हैं। कश्मीरी तो बड़े खुश हैं, कश्मीरी कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास आप इल्जाम लगाते थे, अब आप इल्जाम नहीं लगा सके, हम दिखाएंगे ये हम आपसे बेहतर है। तो हमें कंपटीशन की आपने बात की, हमें दिखाना है कौन किससे बेहतर है, कौन अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एज ए जम्मूइट मैं कहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान इस चैलेंज के ऊपर खड़े उतरेंगे। कंपटीशन की आपने बात की
आपको लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब कंपटीशन की हम बात करते हैं वो है जहाँ जम्मू कश्मीर में बॉर्डर स्टेट भी हम हैं, जम्मू में आज भी लोग जब बॉर्डर्स पे रहते हैं उनके घरों पर गोलाबारी होती है, वो एक बच्चा उस बॉर्डर एरिया में रहकर एक दिल्ली में बैठे हुए जो 24 घंटे वाईफाई भी एक्सेस कर रहा है, कोई कर्फ्यू फेस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ कम्पीट कैसे करेगा सर? अरे ये दिस इज अननेसेसरी कंपैरिजन, ऐसा नहीं होता है, हर एक लिए अपनी 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 एबिलिटी है। मैं भी जम्मू में आर एस पुरा में पैदा हुआ हूँ, आर एस पुरा में पैदा होने के बाद मैं कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। ये तो इट इज द मैटर ऑफ व्हाट अपॉर्चुनिटी यू गेट और आप कैसे उसको यूज़ करते हैं। आपने देखा पुराने ज़माने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर लैंप के नीचे पढ़ के पढ़ाई करके कितने बड़े विद्वान बन गए। तो ये सारी बातें देखिए, जो प्लेस ऑफ बर्थ इज डिसाइडेड, यू हैव नो चॉइस ऑन दैट, बट उसके बाद आप क्या करते हैं इट इज़ योर डेस्टनी, यू हैव टू मेक योर ओन डेस्टनी, आपने अपनी किस्मत को बनाना है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बराबर मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, नो वेयर इन द वर्ल्ड इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आप बाद में कहेंगे अमेरिका और जो आप इंडिया को कंपेयर करेंगे, देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड, बट स्टिल इंडियंस आर टुडे इन अमेरिका, द एंटायर आईटी वर्ल्ड इज बी डोमिनेटेड बाय द इंडियंस। तो हमें इस बात के ऊपर नहीं जाना चाहिए, दिस इज अननेसेसरी कंपैरिजन। हम करना चाहते हैं जो करना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं तो जम्मू का हूं, मुझे जम्मू वालों पर बहुत भरोसा है और जम्मू वाले किसी से कम नहीं है, और जम्मू वालों ने जो अभी तक करके दिखाया है उससे बेहतर करके दिखाएंगे आने वाले दिनों में। अपने जेके पीएससी यूपीएससी की भी बात की, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी जब ये कोटा शिफ्ट हुआ 50-50 से 67-33 हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर को भी एट पार विद द सेंटर ले आए हैं, अब यहाँ पर भी वही रूल लागू है। सर जब आप देखें फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो 2001 के बाद से मेजॉरिटी जो रिक्रूटमेंट होती रही है वो जम्मू से होती रही है, लेकिन अब जो रिक्रूटमेंट होगी 2019 के बाद से अब वो 50-50 के बेसिस पे नहीं 67-33 के बेसिस पे होगी। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो गई? आप गलत कह रही हैं, मैं इसको बैक टू डिफर विद यू। जो किया गया है वो 50-50 किया गया है, 50-50 पहले था, 67-33 किया गया है जो कि नेशनल लेवल पे होता है, सॉरी, तो वही होगा, दैट इज बेटर, इट इज बेटर। देयर विल बी 67% ऑल इंडिया लेवल से आएंगे और 33% स्टेट प्रमोटर्स। वही मैंने कहा 33 अब खाली स्टेट से लिए जाएंगे, 50 नहीं। 50 किस लिए किया गया था? 50 इसलिए किया गया था कि शेख अब्दुल्ला ने जब अपने वापस आए थे 79 के अंदर, तो उन्होंने 10 साल के लिए यहाँ पे आईएएस काडर बंद कर दिया था। वो आईएएस काडर बंद कर देने के कारण हमारे पास आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज थी, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये 50-50 किया गया था। नॉट ए परमानेंट बेसिस, इट अ टेम्पररी बेसिस, ठीक है। वो स्थिति जो है अब खत्म हो चुकी है, अब आईएएस ऑफिसर्स आर कमिंग एज रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ 50-50 वाज टू बी डन अवे लॉन्ग बैक। ये अभी की जा रही है कि पहले 370 का सहारा लेके नहीं करते थे, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इट विल बी अ फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड। आप बात करते हैं टोल प्लाजा की, कि लखनपुर में टोल प्लाजा हटाया गया, सेलिब्रेशंस हुई, पार्टी हेडक्वार्टर में भी उसकी सेलिब्रेशंस हुई, सॉ सम वीडियोस। लेकिन अब कल सरकार ने एक कमिटी बनाई है ये जानने के लिए कि ये टोल प्लाजा हटाने से इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान हुआ, तो ये समझ में नहीं आता। जहां एक तरफ ये सेलिब्रेशन हो रही है कि भाई जजिया हट गया, वहीं दूसरी ओर अब ये कमेटी बनाई जा रही है ये जानने के लिए कि इससे इंडस्ट्रीज को नुकसान कितना हुआ। देखिए ऐसा है कि ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बार बार सरकार का दरवाजा खटका रहे थे कि हमें कंपनसेट किया जाए, ठीक है। तो अगर सरकार उनको टोटल उनकी अन कहीं कर देती या उनको नहीं सुनती, तो लगता कि सरकार वाज बीइंग अनफेयर टू देम। सर ये भी कहा जा रहा है कि एक ज्यादा तादाद नहीं है उन इंडस्ट्रीज की, खाली कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो सरकार टू गिव ए फेयर चांस टू एवरीबॉडी, दे हैव अपॉइंटेड अ कमीशन सो दैट टुमारो दे कैन नॉट से वी वर नॉट हर्ड, इट वॉज अ यूनिलैटरल डिसीजन, वी वर नॉट हर्ड, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। और ये हर अच्छी सरकार को करना चाहिए, हर एक को मौका दिया जाना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि इस कमीशन के बाद डिसीजन जो है रिव्यू होगी, लेकिन इस डिसीजन के बाद अगर कमीशन को लगता है कि वाकई इनको कुछ नुकसान हुआ है, तो शायद उनका फायदा हो, उससे सरकार उसको कंपनसेटरी मेजर्स को सोचेगी। लेकिन सर आपको नहीं लगता इससे ऐसा लगता है कि कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट की इतनी पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है कि वो सरकार के थ्रू एक कमेटी बनवा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से आप देखेंगे ये इंडस्ट्री एसोसिएशन, अगर अभी तक दो साल तक ये फैसला नहीं आया, इसलिए था ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पावरफुल थी कि दो साल तक इस फैसले को टाल सकी। दो साल के बाद जब फैसला आया है
मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी पावरफुल भी नहीं है कि फैसले को टोटली वो नाकाम कर दे, फैसला हुआ लेकिन है अभी भी इतनी पावरफुल है कि एक कमेटी बनाई जाए। पावरफुल नहीं है, क्वेश्चन इज ऑफ गिविंग फेयर चांस टू एवरीबॉडी। उनकी ये जो उनकी जो मैं कहूँगा कि शिकायत है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने कमीशन बनाई है और ये होना भी चाहिए ताकि कल दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए। अब फेयर चांस की आपने बात की तो सर एक निजी सवाल जो पार्टी से रिलेटेड है, तो भारतीय जनता पार्टी के करीबी जो माने जाते हैं एडवाइजर्स में से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर्स में से, वो फारूक खान हैं। लेकिन अब जब पोर्टफोलियो निकले तो ये पता चला कि उनके पास कोई भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं रखा गया, यानी कि जिस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी वो कोई भी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बाशिंदा जो थे फारूक खान जो इकलौते एडवाइजर उनके जम्मू कश्मीर के हैं, तो उन्हें कोई इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे वो दिए गए, जो एक्स डी जी पी सी आर पी एफ हैं उन्हें दिए गए, या उसके अलावा केवल कुमार शर्मा हैं उन्हें दिए गए, तो ऐसा क्यों? केवल कुमार शर्मा भी उतने ही सन ऑफ सॉयल हैं जितने कि फारूक खान हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द एल जी, वन शुड नॉट चैलेंज इट। जो उनकी मर्जी है जिसको वो देंगे उनके सोच के है, एंड वी कैन नॉट चैलेंज दैट, और हमें इसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। और इससे किसी की काबिलियत के ऊपर भी शक नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की नीयत के ऊपर शक करना चाहिए। ऐसा लगता नहीं है कि भरोसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में डिसीजंस ले सकें, उन्हें खाली एक ऐसा डिपार्टमेंट दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंटल जो इश्यूज हैं खाली उन्हें एड्रेस करने के लिए रह गए? जी नहीं, जी नहीं। फूड एंड सिविल सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट, कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट। उनको टूरिज्म दिया गया है, टूरिज्म ने सर उनको वो दिया गया है, बोलते हैं हज दिया गया है, और एआरआई एंड ट्रेनिंग दिया, दे वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कम नहीं होता है। यू आर टॉकिंग मनी मेकिंग डिपार्टमेंट्स एंड नॉन मनी मेकिंग, वैसे वो दैट कॉन्सेप्ट इज ओवर, दैट थिंग इज ओवर नाउ, देयर इज नो मनी मेकिंग, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, ट्रांसपेरेंसी। एंड इन एनी केस मिस्टर के शर्मा इज ऑल्सो सन ऑफ द सॉइल, सो टू से दैट ही हैज गॉट दोज डिपार्टमेंट्स and Mr. Farooqan doesn't have, I think it's an unnecessary comparison once again. तो आखिरी सवाल ब्रिगेड साहब आपसे ये कि अब जम्मू को लेकर रोड मैप आगे क्या है? Very pertinent question, very pertinent question. यही सवाल मैं जम्मू के लोगों से पूछ रहा हूँ। आपने अपने लिए क्या सोचा है? अब तो आपके पास बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब आप कश्मीरियों को नहीं accuse कर सकेंगे, अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमारा हिस्सा कश्मीर खा गया, अब तो सब कुछ आपको मिलेगा, आपने ही करना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम इकट्ठे जम्मू के मुद्दों पे हम इकट्ठे नहीं होते हैं। हमने देखा किस प्रकार कश्मीर के मुद्दों पे कश्मीरी इकट्ठे हो जाते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमने जम्मू के मुद्दों पे ये एकजुटता नहीं दिखाई है। ये विजन जम्मू के लिए जो विजन है, इट हैज़ बी यूनिफाइड विजन, इट कैन नॉट बी टनलाइज्ड और कंपार्टमेंटलाइज्ड विजन। एक यूनिफाइड विजन जम्मू के लिए चाहिए, जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू की पॉलिटिकल क्लास, जम्मू के स्टूडेंट्स एंड द जम्मू ट्रेडिंग कम्युनिटी, बिकॉज ट्रेड इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज हियर, सबको इकट्ठा होकर एक जम्मू के लिए विजन बनानी पड़ेगी, ए फ्यूचर फॉर जम्मू। और मैं उसकी वेट कर रहा हूँ किस दिन वो मैप, फ्यूचर का मैप आएगा, एंड आई एम रेडी टू विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू इट वट एवर आई कैन, बट आई हैव ए ग्रैंड विजन ऑफ जम्मू, आई कैन टेल यू दैट। एंड जम्मू If it stands its own feet, it's got a very bright future. बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। तो ये थे वो सारे सवाल जो जम्मू की आम आवाम जानना चाहती थी, जिनका जवाब हमने आज पूछ लिया, और इनके सारे जवाब भी आपने सुन लिए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, इंटरनेट कब तक चलता है, डोमिसाइल कब तक मिलता है, और नया जम्मू कश्मीर हमें कब नजर आता है।